आईएनडी वर्सेस पीएके, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप का गाइस दूसरा मैच। और गाइस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जब ये मैच होता है तब गाइस पूरे वर्ल्ड में हलचल हो जाती है, क्योंकि ये वाला मैच गाइस एक बहुत ही बड़ा मैच होता है। और आप कह सकते हैं इस वाले मैच को गाइस हर कोई लोग देखते हैं, क्योंकि इस मैच के साथ कहीं ना कहीं कोई इमोशन जुड़े हुए हैं। सब चाहते हैं कि इंडिया ये वाला मैच जीते। और आपको बता दूं, इस वाले मैच में इंडिया की एक बेस्ट प्लेइंग 11 उतरने वाली है। बहुत से भाइयों के दिमाग में चल रहा है कि क्या इस वाले मैच में विराट कोहली का बल्ला चलेगा, क्योंकि पाकिस्तान के अगेंस्ट जब जब मैच हुआ है विराट कोहली के बल्ले से रन निकले हैं, बट अभी फॉर्म थोड़ी सी खराब है। बट मुझे लग रहा है आज के मैच में विराट कोहली चलना चाहिए। इसके अलावा रोहित शर्मा के बल्ले से रन निकलेंगे। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क हो रहा है कि क्या आज के मैच में रविचंद्रन अश्विन खेलेंगे, क्या अर्शदीप सिंह खेलने वाले हैं, क्या दिनेश कार्तिक को आज के मैच में मौका मिलेगा। और आपको बता दूं विराट कोहली का गाइस ये 100 T20 मैच है, और अभी तक जितने मैच विराट कोहली के 100 हुए, चाहे वो टेस्ट मैच हो या ओडीआई हो, वहां पे रविंद्र जडेजा ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है जब भी विराट कोहली का कोई 100वां मैच होता है। तो क्या ग्रैंड लीग के लिए आज के मैच के लिए रविंद्र जडेजा पंट प्लेयर होगा, क्या प्लेइंग 11 राजस्थान इंडिया की होगी, क्या प्लेइंग 11 पाकिस्तान की होगी, जब दोनों टीमें आपस में खेलती है तब इनका रिकॉर्ड कैसा रहता है, जिस ग्राउंड पे ये मैच खेला जाएगा इस ग्राउंड पे फास्ट बॉलर्स को मदद होगी या स्पिनर्स को मदद होगी। इस वाले मैच में ग्रैंड लीग भी काफी बड़ी लगी हुई है, तो वो ग्रैंड लीग आप कैसे विन कर सकते हो, क्या मेरी फाइनल टीम होने वाली है, कप्तान वाइस कप्तान के लिए कौन बढ़िया रहेगा, ये सारे सवालों का जवाब गाइस कहीं आपको मिल सकता है ना, वो ये वाला वीडियो होने वाला है। क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देख लिया तो स्मॉल लीग में तो गाइस कोई आपको हरा ही नहीं सकता, साथ में ग्रैंड लीग में भी आपकी अच्छी रैंक आने वाली है। और आपको इस वीडियो में गाइस मैं 2 से 3 की प्लेयर्स बताऊंगा, अगर आपने उन प्लेयर्स को अपनी टीम में रख लिया तो काफी हद तक आपकी ग्रैंड लीग पक्की हो सकती है। पाकिस्तान की तरफ से भी गाइस कई बड़े अपडेट निकल के आए हैं कि जिनको आपने अपनी टीम में रखा हुआ है वो अभी खेलने वाले नहीं है, वो कौन से प्लेयर है उसके बारे में बात करेंगे। तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाला है, और इस वाले वीडियो में गाइस आपके लिए टोटल 1,00,000 रुपए का फ्री गिव अवे है। वो गिव अवे आपको कैसे मिलेगा, कुछ नहीं करना, वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना है, वीडियो पे आपको लाइक करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना लाल बटन को दबा के, क्योंकि गाइस वीडियो सभी डालते हैं बट अगर आपको क्वालिटी के साथ बेस्ट कंटेंट चाहिए तो इस चैनल का हिस्सा बन जाना। हिस्सा बनने के लिए क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और साथ में मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जहां पे गाइस मैं हर मैच की बिल्कुल फ्री टीम प्रोवाइड करता हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में जब आप जाओगे वहां पे आपको दिखेगा ज्वाइन टेलीग्राम फॉर फ्री टीम्स, उसके नीचे लिंक होगा श्योर एक्सपर्ट सपोर्ट ऑफिशियल नेम से, बस आपको उस पर क्लिक करना है, टेलीग्राम पे आ जाना है, हर मैच का बिल्कुल फ्री अपडेट मिलेगा। और इसी वीडियो के बीच में गाइस मैं आपसे इसी मैच से रिलेटेड एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जाके देना है, अगर आपका आंसर सही है तो आप गिव अवे के विनर बन सकते हो। तो बस गाइज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा देखना है गाइज, एक एक चीज बारीकी से एनालिसिस करेंगे। तो आईएनडी वर्सेस पाक सेकंड T20 मैच प्रीव्यू गाइज मैं अब स्टार्ट करता हूं। ये वाला मैच खेला जाएगा गाइज दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, और इससे पहले जब इंडिया और पाकिस्तान का लास्ट मैच हुआ था वर्ल्ड कप में, वहां पे इंडिया हारी थी। और इस वाले पिच की गाइज मैं आपको खासियत बताऊं, इस वाले पिच पे गाइज है ना, जब ये पिच फ्रेश होती है स्टार्टिंग के मैचेस होते हैं ना, वहां पे गाइज फास्ट बॉलर्स को बहुत ही अच्छी खासी मदद मिलती है, खास तौर से जो क्वालिटी बॉलर्स होते हैं ना, जैसे शाहीन अफरीदी थी, उसने बहुत जबरदस्त बॉलिंग कराई थी जब लास्ट मैच हुआ था इंडिया का, बट वो इस वाले टूर्नामेंट में खेल नहीं रहे क्योंकि इंजर्ड है। और साथ में गाइस आपको T20 स्टैट्स की भी यहां पे मैं बात करूं तो टोटल गाइस 76 मैचेस यहां पे हुए हैं, बैटिंग फर्स्ट ने 36, सेकंड ने 39 और एवरेज स्कोर 143 का है। बट आपको एक चीज बता दूं गाइस, यहां पे गाइस अभी जो लास्ट 5 मैच हुए हैं ना इस वाले ग्राउंड पर, 5 के 5 मैच किसने जीते, जिस टीम ने सेकंड इनिंग में बैटिंग करी है। तो जो भी टीम टॉस जीतेगी ना वो काफी हद तक मैच जीतने की संभावना होगी, क्योंकि सेकंड इनिंग में बैटिंग आसान हो जाती है, फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर्स को बहुत मदद है और सेकंड इनिंग में यहाँ पे स्पिनर्स को मदद मिलेगी। तो जो आपको टीम बनानी है टॉस पे काफी हद तक डिपेंडेंट रहेगी,
तो टॉस के लिए आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उसके बाद जो टीम आएगी वो काफी हद तक फाइनल होगी। तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट पे लिंक है, जरूर से आप ज्वाइन कर लेना। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो 150 से कम का स्कोर 42 बार, 150 से 170 19 बार, 170 से 190 9 बार, 190 से ज्यादा 6 बार। लास्ट 6 मैच गाइस अगर आप देखोगे इस वाले वेन्यू पर, तो फास्ट बॉलर्स को 53 विकेट्स मिले और स्पिनर्स को 44 विकेट मिले, और 53 में भी गाइस मैक्सिमम विकेट्स मिले जिस टीम ने फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराई है। तो फास्ट बॉलर्स को गाइस यहां पे फर्स्ट इनिंग में बहुत अच्छे विकेट मिलते हैं, स्पिनर्स को मदद रहती है बट वो सेकंड इनिंग में ज्यादा रहती है कंपेयर टू फर्स्ट इनिंग के। लास्ट 3 मैच गाइस इस वाले जो ग्राउंड पर खेले गए ना, काफी बड़ा स्कोर बनाया बट विकेट्स ज्यादा गिरे नहीं है। अगर आप देखोगे ना ओवरऑल तो आपको पता लग जाएगा। 11 नवंबर 2021 को मैच हुआ था पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का। पाकिस्तान ने पहले बैट किया 176 बनाए, सेकंड इनिंग में 176 बना के चेज हो गया। तो आप देखिए सेकंड इनिंग में बैटिंग आसान हुई, विकेट ज्यादा गिरे नहीं। इसके अलावा यहां पे आप देखिए इंडिया नामीबिया का मैच हुआ, नामीबिया 132 पे ऑल आउट हो गया, इंडिया 136 बना के चेज कर गया। और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का 14 नवंबर 2021 को मैच हुआ, जो कि एक टक्कर की टीम है। न्यूजीलैंड ने 172 बनाए, ऑस्ट्रेलिया 173 बना के चेज कर गया। तो कहीं ना कहीं सेकंड इनिंग में बैटिंग आसान है, विकेट्स ज्यादा गिरते नहीं है और स्कोर भी काफी बड़ा बन रहा है। तो एक्सपेक्ट कर सकते हो अब 160 से 170 का स्कोर यहाँ पे बनना चाहिए। टेलीग्राम को गाइस आप जरूर से ज्वाइन कर लेना, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है। जब आप कमेंट सेक्शन में जाओगे सबसे टॉप पे पिन किया हुआ लिंक दिखेगा, वहां पे लिखा है ज्वाइन टेलीग्राम फॉर फ्री टीम्स, उसके नीचे टेलीग्राम है, उस पर आपको क्लिक करना है। अगर लिंक वर्क नहीं करे तो टेलीग्राम पे जाके सीधे सर्च कर लेना श्योर एक्सपर्ट सपोर्ट ऑफिशियल, वहां से भी ज्वाइन कर लेना। पर ज्वाइन गाइस जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से करना है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और इस वीडियो का टारगेट 15,000 लाइक्स का है। मुझे पता है आप इससे ज्यादा दोगे पर इतना तो आपको देना ही है। गाइस माई 11 सर्किल एप्लीकेशन को अगर आप लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है ना, तो आज के मैच में तो आप बहुत कुछ मिस कर दो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में जो सबसे टॉप पे पिन किया हुआ पहला लिंक है ना, उसको जैसे ही लिंक पे क्लिक करके आप डाउनलोड करोगे ना, आपके खाते में कितने आ जाएंगे, 5,000 रुपए। 5,000 रुपए बिल्कुल फ्री में आपको बोनस मिल जाएगा जो कि डाउनलोड करते ही। उसके अलावा यहां पे गाइस अगर आप आज के मैच को खेलते हो या इस एशिया कप को खेलते हो, तो अगर आप यहां पे ग्रैंड लीग खेलते हो रैंक वन पे आते हो, विनिंग अमाउंट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। साथ में अगर आप यहां पे ग्रैंड लीग कंटिन्यू खेलते हो और अगर आप लीडर बोर्ड का हिस्सा बन जाओगे, अगर आप ग्रैंड लीग रेगुलर खेलोगे लीडर बोर्ड में, अगर आप फर्स्ट रैंक आती है, अगर आपकी एशिया कप खत्म होने के बाद अगर आपकी फर्स्ट रैंक आती है, तो आपके घर में पता है क्या लेके जाओगे आप, मर्सिडीज बेंज ए क्लास, जिसकी वैल्यू गाइस लाखों में नहीं है करोड़ों में है। और साथ में आपको बता दूं अगर आप यहां पे रैंक वन पे आते हो ग्रैंड लीग खेलते हो, तो आप महिंद्रा थार अलग विन करोगे विनिंग अमाउंट के अलावा। तो इतनी जबरदस्त एप्लीकेशन है, इतने जबरदस्त ऑफर है, 5,000 रुपए का फ्री बोनस मिल रहा है, लीडर बोर्ड पे मर्सिडीज बेंज मिल रही है, ग्रैंड लीग पे महिंद्रा थार मिल रही है। गाइज आपको क्या चाहिए, और अपनी विनिंग अमाउंट को आप 8 गुना बढ़ा सकते हो। इस ऐप को जरूर से डाउनलोड कर लेना है और इस वाली एप्लीकेशन पे आज का पहला कॉन्टेस्ट बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए। कैसे मिलेगा वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, वीडियो के साथ बने रहना। बट इस एप्लीकेशन पे गाइज थोड़ा सा वित्तीय जोखिम इंक्लूड है, कृपया अपनी रिस्क पर खेले, संभल के खेले पर खेलना स्टार्ट कर दे। अब गाइज मेरा मेन डेटा एनालिसिस स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल आने वाले 10 मिनट तक आके गड़ा के आपको रखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है। आईएनडी वर्सेस पीए के फर्स्ट टी20 प्लेइंग 11 में आपको बताने जा रहा हूं। इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा लोकेश राहुल गाइस ओपन करने वाले हैं, दोनों ही राइट हैंडेड बैट्समैन है। इसके बाद यहां पे विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे। इसके बाद यहां पे हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा गाइस ग्रैंड लीग का पंट प्लेयर होने वाला है, क्योंकि मुझे अपडेट मिल रहा है कि दिनेश कार्तिक को हो सकता है इस वाले मैच में ना खिलाया जाए, क्योंकि दिनेश कार्तिक की जगह आज के मैच में खेल सकते हैं रविचंद्रन अश्विन। अश्विन को टीम मौका दे सकती है, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि जडेजा और अश्विन दोनों खेलते हुए दिखने वाले हैं। इसके बाद यहां पे भुवनेश्वर कुमार, यजवंदर चहल, हर्षदीप सिंह, ये प्लेइंग 11 गाइस इंडिया की रह सकती है। दो प्लेयर है जो डाउटफुल है मुझे, एक तो आवेश खान और एक दिनेश कार्तिक। अगर इन दोनों में से कोई भी लाइनअप में आता है तो हो सकता है अश्विन को बाहर बैठना पड़े। अगर कुछ भी चेंज में प्लेइंग 11 में होगा आपको टेलीग्राम पे अपडेट मिल जाएगा, बट इंडिया मेरे हिसाब से यही प्लेइंग 11 के साथ
उतरने वाला है। पाकिस्तान की तरफ से इनके दो मेन बॉलर है शाहीन अफरीदी और मोहम्मद वसीम जूनियर, दोनों ही नहीं खेल रहे, दोनों इंजर्ड हो चुके हैं, उनको रिप्लेस करके आए हैं, वो अभी आपको बताऊंगा। उससे पहले मोहम्मद रिजवान बाबर आजम ओपन करेंगे, बहुत ही खतरनाक ओपनिंग जोड़ी है गाइस ये वाली। इसके बाद फकर जामन, हैदर अली, खुशदिल शाह मिडिल ऑर्डर में आएंगे, यहाँ पे आसिफ अली, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, हसन अली गाइस आपको खेलते हुए दिखेंगे क्योंकि मोहम्मद वसीम जूनियर इंजर्ड हो चुके हैं, उनकी जगह हसन अली को टीम में मौका मिला है। यहाँ पे नसीम शाह, हारिस राउफ, यहाँ पे गाइस ऐड धानी करके भी इनका एक बॉलर है, अब हो सकता है टीम हसन अली को खिलाए या धानी को खिलाए या हो सकता है दोनों को ही खिला दे, नवाज को बाहर बैठना पड़े। तो ये प्रिडिक्टेड पाकिस्तान की प्लेइंग 11 है, इसमें ज्यादा बदलाव होगा नहीं। अब आपको स्मॉल लीग की टीम में बनानी है और ग्रैंड लीग की टीम में बनानी है, सबके लिए अलग अलग तरीके से मैंने आपके लिए प्लेयर सेलेक्ट करके दिया है, तो बिल्कुल गाइज वीडियो देखते रहना, वीडियो पे लाइक चाहिए गाइज 15,000, काफी मेहनत करके वीडियो बनाए और पूरा वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। सबसे पहले गाइज अपन विकेट कीपर सेक्शन में चलेंगे, हर सेक्शन को गाइज मैंने डिवाइड कर दिया है, आपको हर सेक्शन की पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। सबसे पहले विकेट कीपर में अगर मैं इंडिया की तरफ से बात करूं तो नाम आता है ऋषभ पंत का, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करेगा, पाकिस्तान के अगेंस्ट एक ही मैच खेला है, 39 रन बनाए, इस वेन्यू पर दो ही मैच खेले 51 रन और लास्ट 3 T20 में फॉर्म बहुत अच्छी लग रही है, 44-33-24 स्टार मार कर रहा हूं ऋषभ पंत, मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट पिक रहेगा, जरूर से आप ट्राई कर सकते हैं, एक बढ़िया चॉइस है। पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद रिजवान को तो गाइज मतलब आप ड्रॉप करने की गलती मत करना, इतना जबरदस्त प्लेयर है और लास्ट 3 T20 में 78-38-87 और इस भाई का इस वेन्यू पर एवरेज आप देखोगे ना, 4 मैच में 160 रन बना चुका है 53 के एवरेज से, इंडिया के अगेंस्ट एक ही मैच खेला है 79 रन और T20 में एवरेज है 50 का, सी और वीसी का भी गाइज ये कैंडिडेट हो सकता है, कप्तान वाइस कप्तान भी ट्राई कर सकते हैं। अब इसको बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे जब मैं आपको फाइनल टीम दिखाऊंगा तब बताने वाला हूं, पर ऋषभ पंत रिजवान दोनों इंपॉर्टेंट है, रिजवान को तो आपको डेफिनेटली रखना है और ऋषभ पंत को भी ट्राई कर सकते हो। अब चलते गाइज बैटिंग सेक्शन में, इंडिया की अगर बैटिंग सेक्शन की बात करूं तो इंडिया के गाइस दो प्लेयर है, एक तो विराट कोहली और दूसरा रोहित शर्मा। रोहित शर्मा का रिकॉर्ड है ना थोड़ा सा पाकिस्तान के अगेंस्ट उतना अच्छा नहीं है और विराट कोहली का रिकॉर्ड उतना ही पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत अच्छा है, बट अब क्या है पाकिस्तान के दो मेन बॉलर्स खेल नहीं रहे तो उस केस में हो सकता है रोहित शर्मा भी अच्छा कर जाए। इंडिया का हिटमैन है, लास्ट 3 मैचों में 33-11-0 देखिए आप, केवल 14 का एवरेज है पाकिस्तान के अगेंस्ट, और वहीं विराट कोहली की बात करूं 78 का एवरेज है गाइस 7 मैच में 311 रन, इसलिए विराट कोहली को इंडिया का किंग कहा जाता है बैटिंग का, और लास्ट 2 T20 में 11-1 34 का एवरेज है, तो विराट कोहली को गाइस मैं होप करता हूं आज के मैच में फॉर्म भी आ जाए और जबरदस्त रन बना के जाए, विराट कोहली को डेफिनेटली अपनी टीम में रखना है, रोहित शर्मा पे चाहो तो रिस्क लेकर ड्रॉप भी कर सकते हो स्मॉल लीग में, ग्रैंड लीग में तो रखना ही रखना है। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव का इस काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, राइट हैंडेड बैट्समैन है और काफी अच्छी बैटिंग कर सकता है, लास्ट 3 T20 में 24-76-11 T20 में 37 का एवरेज है, इस वेन्यू पर 3 मैच 42 रन। केएल राहुल गाइस जो कि ओपनिंग करेगा इस वेन्यू पर एवरेज काफी अच्छा है 42 का, T20 में 41 का और लास्ट 2 T20 में हाफ सेंचुरी 79-68, तो इंडिया के गाइस चारों ही बैट्समैन आप स्मॉल लीग में रख सकते हो, खास तौर से तीन को तो जरूर रख लेना, राहुल यादव और विराट कोहली, रोहित शर्मा को चाहे आप जीएल में ट्राई कर सकते हो क्योंकि रोहित शर्मा भी अच्छा कर सकता है आपके लिए इस वाले मैच में। पाकिस्तान की तरफ से अगर बैटिंग सेक्शन में बात करूं तो मोहम्मद रिजवान को तो आपको रख ही लेना है, उसके साथ आएंगे बाबर आजम जो कि वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयरों में आते हैं, राइट हैंडेड बैट्समैन है, लास्ट 3 T20 में फॉर्म थोड़ी खराब है 0-7 पर उससे पहले 79, इस वेन्यू पर गए ना बहुत खतरनाक हो जाता है, 64 का एवरेज है 9 मैच में 446, T20 में 45 का एवरेज है, स्टार मार कर रहा हूं डेफिनेटली रख लेना। इसके बाद फकर जामन नंबर 3 पे खेलेगा और इंडिया के अगेंस्ट है ना ये भी काफी अच्छा करता है और इस वेन्यू पर 33 का एवरेज है, 5 मैच में 131 रन, लास्ट 3 T20 में 10-10-12, तो कहीं ना कहीं रिसेंट फॉर्म फकर जामन की खराब है बट फिर भी गाइस स्पेशलिस्ट प्लेयर है। फकर जामन को अपन अलग तरीके से अपनी टीम कॉम्बिनेशन में रखेंगे
और आसिफ अली की बात करूं, इस वेन्यू पर एवरेज 19 का है, T20 में 17 का है, लास्ट 3 T20 में 1-9-21। कुशदिल शाह की बात करें, T20 में 23 का एवरेज है, और हैदर अली लास्ट 2 T20 में 68 और 31। तो कहीं ना कहीं गाइस इनके दो प्लेयर मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, एक तो बाबर आजम, दूसरा हैदर अली। हैदर अली को आप ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई कर सकते हो, एक बेस्ट प्लेयर है। इसके अलावा यहाँ पे आसिफ अली है ना, इनका बहुत ताबड़तोड़ बैटिंग करता है, अगर लास्ट ओवर्स में बैटिंग आती है ना, अगर इसकी 17 से 20 ओवर के बीच, वहां पे तबाही मचा सकता है, क्योंकि बहुत अटैकिंग बैटिंग करता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा पाकिस्तान के कौन से प्लेयर्स को आपको अपनी टीम में रखना है। बाकी मैंने किसको रखा है वो अभी जब मैं आपको फाइनल टीम दिखाऊंगा तब आपको बताने वाला हूं। फ्री गिव अवे का क्वेश्चन गाइस अभी आने वाला है, 1,00,000 रुपए का गिव अवे, मिस मत करना। फाइनल टीम आने वाली है, कप्तान वाइस कप्तान का सिलेक्शन आने वाला है, तो बहुत ही जबरदस्त वीडियो होने वाला है, बस नजरे गड़ा के रखना। इंडिया के गाइस ऑलराउंडर सेक्शन में दो प्लेयर है, हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा। अब एक चीज आपको इंटरेस्टिंग बता रहा हूँ गाइस, जडेजा जो कि टीम का स्पिनर है, लास्ट 2 T20 में आप देखिए 27 रन 1 विकेट, 16 रन 1 विकेट, तो बैटिंग का भी एक अच्छा ऑप्शन है और बॉलिंग का भी एक अच्छा ऑप्शन है। बट आपको एक चीज इंटरेस्टिंग बता रहा हूँ जो शायद आपने नहीं सुनी होगी, विराट कोहली का गई 100वां मैच है, और जब जब विराट कोहली का 100वां मैच ओडीआई का हो या टेस्ट का हो, उन दोनों मैचों में प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहे, रविंद्र जडेजा। तो कहीं ना कहीं गाइस अगर 1% भी ऐसा होता है तो जडेजा ग्रैंड लीग का पंट प्लेयर बन सकता है। इस वेन्यू पर 4 मैच में 6 विकेट, हेड टू हेड में 5 मैच 4 विकेट। हार्दिक पांड्या की बात करें, बहुत ही जबरदस्त पिक रहेंगे, सी और वीसी भी ट्राई कर सकते हो, बड़ा प्लेयर है, काफी अच्छा कर सकता है, हेड टू हेड में 2 मैच में 4 विकेट, वेन्यू पर इस वेन्यू पर 1 भी विकेट नहीं मिला, लास्ट 3 मैच में 28 रन 4 रन 1 विकेट, 31 रन 1 विकेट। थोड़ा सा एक चीज का ध्यान रखना है, अगर इंडिया पहले बॉल करता है ना जब, तो हार्दिक पांड्या के साथ जाना, अगर इंडिया सेकंड इनिंग में बॉल करता है तो जडेजा बेस्ट रहेगा, क्योंकि सेकंड इनिंग में स्पिनर्स को मदद ज्यादा है, फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर्स को, इस चीज को दिमाग में बैठा लेना, बहुत काम आएगी। पाकिस्तान के ऑलराउंडर्स की बात करें तो 2 ऑलराउंडर है, एक तो शादाब खान टीम का स्पिनर, मोहम्मद नवाज टीम का स्पिनर, लास्ट T20 में 3 विकेट मिले थे, इस वेन्यू पर 7 मैच में 14 विकेट का रिकॉर्ड है, तो कहीं ना कहीं शादाब खान को ये वाला वेन्यू सूट करता है। मोहम्मद नवाज की मैं बात करूं, 30 रन 1 विकेट 2 विकेट, T20 में 30 मैच 25 विकेट, 2 मैच 2 विकेट, दोनों उतने स्पेशलिस्ट नहीं है, बट आप एक में से इसमें से किसी एक को भी ट्राई कर सकते हो। इंडिया के गाइस बॉलिंग सेक्शन की बात करें, बहुत ध्यान से देख लेना, इंडिया के दो बॉलर है जो तो खेलेंगे ही खेलेंगे, एक तो यजवंदर चहल और एक है गाइस यहाँ पे भुवनेश्वर कुमार, ये दो बॉलर है जो कि स्पेशलिस्ट है। चहल का रिकॉर्ड T20 में 62 मैच में 79 विकेट्स का है, और सेकंड इनिंग में अगर इंडिया बॉल कराता है चहल काफी इंपॉर्टेंट होगा, बाकी चहल तो फर्स्ट इनिंग में भी विकेट ले सकता है। इसके अलावा रविचंद्रन अश्विन को मुझे लग रहा है हाई चांस है टीम खिलाएगी, टीम का स्पिनर है, अगर नहीं खेलते तो हो सकता है आवेश खान के लिए या दिनेश कार्तिक भी खेल सकते हैं। आवेश खान का रिकॉर्ड भी गाइस आपके सामने है, लास्ट 3 T20 में 2 विकेट, और अर्शदीप सिंह गाइस काफी इंपॉर्टेंट पिक रहेगा, गाइस बहुत ही जबरदस्त प्लेयर है, पावर प्ले में भी गाइस 1 से 2 ओवर कराने वाला है, और डेथ ओवर में तो 2 ओवर कराने ही कराने वाला है, और इस T20 में 6 मैच 9 विकेट है। अर्शदीप सिंह और चहल, ये दो प्लेयर तो डेफिनेटली रख लेना। और भुवनेश्वर कुमार की बात करूं, पाकिस्तान के अगेंस्ट 4 मैच में 5 विकेट, लास्ट 3 T20 में 2 विकेट, तो इंडिया के गाइस दो बॉलर के साथ आप जा सकते हो, अगर इंडिया पहले बॉल कराए जब तो आप भुवनेश्वर कुमार और अर्शदीप के साथ जा सकते हो, और अगर इंडिया सेकेंड इनिंग में बॉल कराए तो अर्शदीप सिंह और चहल के साथ आप जा सकते हो। अश्विन और आवेश खान अगर खेलते भी है तो भी ग्रैंड लीग में रखना, स्मॉल लीग में मैं आपको थोड़ा सा कम रिकमेंडेट करने वाला हूं। पाकिस्तान के बॉलिंग सेक्शन में देखिए, इनके अभी नसीम शाह है जो अभी रिसेंट अभी बॉलिंग जो कराई थी इन्होंने बहुत जबरदस्त कराई थी, शानदार पेस से बॉलिंग कराएगा, क्योंकि सबके दिमाग में शाहीन अफरीदी मोहम्मद वसीम जूनियर चल रहे हैं, बट ये बॉलर भी इनके स्पेशलिस्ट है, धमाका कर सकते हैं, 45 मैचों में 44 विकेट है। और हारिस राउफ की बात करूं, 3 मैच में 2 विकेट लिए हैं इस वेन्यू पर, और लास्ट 2 T20 में 3 विकेट, ये दोनों इनके स्पेशलिस्ट बॉलर रहेंगे, मोहम्मद वसीम और हारिस राउफ नहीं है इस कारण से, और इसके अलावा यहाँ पे मोहम्मद वसीम खेलेंगे नहीं, इनकी जगह हसन अली टीम के साथ जुड़े हैं,
एक बढ़िया बॉलर है, पावर प्ले में मिडिल ऑर्डर्स में आकर बॉलिंग कराएगा लगभग 7वें या 8वें ओवर के आसपास, ठीक है। तो ग्रैंड लीग में आप जरूर ट्राई कर सकते हो हसन अली को। और एक मोहम्मद हसनानीन करके भी गाइज इनका प्लेयर एक लाइनअप में जुड़ा है। अभी रिकॉर्ड दिखा दूंगा मोहम्मद हसनानीन का, जो कि टीम का स्पिनर है, एक स्पेशलिस्ट प्लेयर गाइज ये भी बन सकता है इस वाले मैच के लिए। इंडिया की तरफ से देखिए बेंच पे बैठे हुए प्लेयर है दिनेश कार्तिक, लेटेस्ट फॉर्म अच्छी नहीं है, लास्ट 3 T20 में 12-6-7। दीपक हुड्डा मुझे नहीं लगता खेलेंगे क्योंकि विराट कोहली को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे रवि बिश्नोई को मेरे को नहीं लगता चांस मिलने वाला है, अगर हो सकता है खेलेंगे तो बहुत अच्छी फॉर्म में, लगभग 8 विकेट ले जा चुका है। इसके अलावा यहाँ पे अगर पाकिस्तान की तरफ से मैं बात करूं तो मोहम्मद हसनानीन बहुत ही जबरदस्त प्लेयर है, T20 में 18 मैच में 17 विकेट ले जा चुका है। और शहनवाज धहानी, इसके तो बहुत ज्यादा हाई चांसेस है गाइस खेलने के, अगर हसन अली नहीं खेलता है तो शहनवाज धानी खेलेगा, फास्ट बॉलर है, अगर पाकिस्तान पहले बॉल कराता है तो डेफिनेटली रख लेना, बहुत अच्छी बॉलिंग करा सकता है, लगभग 1 से 2 विकेट ले जा सकता है, ग्रैंड लीग के लिए एक स्पेशल पिक होने वाला है। इंडिया और पाकिस्तान की तरफ से स्टार्टिंग ओवर्स और डेथ ओवर्स कौन कराएगा, क्योंकि डेथ ओवर्स मतलब 15 से 20 ओवर्स के गैप में विकेट बहुत ज्यादा मिलते हैं कोई भी बॉलर हो, ठीक है, तो उन बॉलर्स को आपको पकड़ना है। इंडिया की तरफ से अर्शदीप सिंह डेफिनेटली 2 ओवर कराने वाले लास्ट ओवर्स में आके, ठीक है। और ओपन बॉलर में कौन कराएगा, ओपन में भुवनेश्वर कुमार, पावर प्ले में डेफिनेटली कराने वाले हैं, और अगर आवेश खान या अश्विन में से कोई खेलता है तो इनमें से कोई 1 से 2 ओवर कराने वाला है, बाकी डेथ ओवर्स में अर्शदीप सिंह और भुवनेश्वर कुमार को 1 ओवर मिलेगा, और 1 से 2 ओवर जजविंदर चहल भी करा सकते हैं। पाकिस्तान की तरफ से नसीम शाह, हारिस रऊफ, ये 2 फेवरेट बॉलर है, अगर आप इन दोनों बॉलर्स को अपनी टीम में रख रहे हो तो फिर इंडिया का कोई टॉप ऑर्डर में 1 से 2 प्लेयर ड्रॉप कर देना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये विकेट लेंगे वो ओपनर्स के लेंगे, तो फिर उस केस में आपको दोनों साइड से पॉइंट ही मिलेंगे। डेथ में आएंगे हारिस रऊफ और हसन अली आने वाले हैं, क्योंकि मोहम्मद वसीम खेलेंगे नहीं। अब गाइस आपको कप्तान और वाइस कप्तान की चॉइस बताऊं, फाइनल टीम दिखाऊं, उससे पहले इस वाले मैच का गिव अवे का क्वेश्चन आ गया, जो कि 1 लाख रुपए का है। इसमें गाइस 1000 लोगों को 100 रुपए मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, कुछ नहीं करना है गाइस, अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं, उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जाके देना है। आंसर देने से पहले 3 चीजें जरूर देख लेना, अदरवाइज आपको प्राइज नहीं मिलेगा। एक तो वीडियो पे लाइक, टेलीग्राम डेफिनेटली ज्वाइन करना जिसका डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में लिंक है, बस क्लिक करके आपको ज्वाइन कर लेना है। लिंक वर्क नहीं करे तो सर्च कर लेना शोर एक्सपर्ट सपोर्ट ऑफिशियल टेलीग्राम पे जाके। और तीसरा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना लाल बटन को दबा के। क्वेश्चन क्या है कि गाइस इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट कौन सा बॉलर लेगा और पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट कौन सा बॉलर लेगा। इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट कौन सा बॉलर लेगा, पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट कौन सा बॉलर लेगा, दोनों का आंसर आपको कंबाइन करके देना है, अदरवाइज प्राइज नहीं मिलेगा। दोनों आंसर आपके सही होने चाहिए, हर बंदे को इसका जवाब देना चाहिए मेरा मानना है। अब सबसे पहले गाइज आपको स्मॉल लीग की टीम दिखा रहा हूं, फिर उसके बाद आपको ग्रैंड लीग की टीम दिखाऊंगा, बहुत ध्यान से देख लेना गाइज, मेरी आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट। इंडिया की तरफ से देखिए मैंने इंडिया की 4 बैट्समैन रख लिए टॉप ऑर्डर के, ठीक है, जिसमें आप चाहो तो एक आध ड्रॉप भी कर सकते हो, कौन ड्रॉप होगा वो भी बताऊंगा। इंडिया की तरफ से विराट कोहली मस्ट पिक रहेंगे, पाकिस्तान के अगेंस्ट काफी अच्छा करते हैं, फॉर्म ही खराब रही तो कुछ नहीं हो सकता, बाकी अच्छा करने चाहिए। सूर्य कुमार यादव बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, लोकेश राहुल का रिकॉर्ड भी काफी अच्छा है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और यहाँ पे गाइस मैंने रोहित शर्मा को रखा है, रोहित शर्मा का रिकॉर्ड थोड़ा सा पाकिस्तान के अगेंस्ट अच्छा नहीं है, तो रोहित शर्मा की जगह आप यहाँ पे किसको रख सकते हो, या तो यहाँ पे आप ऋषभ पंत को लेके आ सकते हो, या फिर आप यहाँ पे रविंद्र जडेजा को भी लेके आ सकते हो, जडेजा काफी अच्छा रह सकता है। पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम, फकर जामन और रिजवान, ये 3 प्लेयर ऐसे हैं जो टॉप ऑर्डर के, अगर ये टिक गए तो काफी अच्छा कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए। यहाँ पे रखा है नसीम शाह, हारिस रऊफ, यजवंदर चहल और हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या बैटिंग बॉलिंग दोनों के ऑप्शन रहेंगे। चहल को चाहो तो आप है ना एक काम कर सकते हो, अगर इंडिया फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराता है, अगर इंडिया पहले बॉल कराता है, टॉस जीतकर अगर पहले बॉल लेता है, तो उस केस में आप इंडिया के 2 बॉलर्स के साथ भी जा सकते हो, अर्शदीप सिंह और भुवनेश्वर कुमार, ठीक है। अर्शदीप सिंह आप चहल की जगह ले लेना और भुवनेश्वर कुमार आप रोहित शर्मा की जगह ले लेना, ठीक है। और अगर इंडिया सेकंड इनिंग में बॉल कराता है तो फिर आप ये ही टीम ले सकते हो, बढ़िया टीम रह सकती है। ये स्मॉल लीग की टीम है
और टेलीग्राम आप डेफिनेटली ज्वाइन करना, क्योंकि अगर इस वाली टीम में कुछ भी चेंज होता है ना तो फाइनल अपडेट वही मिलेगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में कमेंट पे लिंक है, क्लिक करके आप जरूर से ज्वाइन कर लेना। अब ग्रैंड लीग की टीम दिखा रहा हूँ गाइस। ग्रैंड लीग मतलब बड़ा कॉन्टेस्ट, या फिर स्मॉल लीग जो रिस्क की टीम के साथ जाना चाहता है उनके लिए ये वाली टीम है। इसमें क्या किया है, ऋषभ पंत को लेके आया हूँ, लोकेश राहुल को लेके आऊं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, मान लो तीनों ही फेल्ड हो जाते हैं तो उस केस में राहुल, ऋषभ पंत, यहाँ पे आसिफ अली काफी अटैकिंग बैटिंग कर सकता है, बहुत कम लोगों की नजर है, बाबर आजम, रिजवान, यहाँ पे शादाब खान को रखा है, मोहम्मद नवाज, दोनों गाइज ऑलराउंडर्स को रखा है, पाकिस्तान के काफी अच्छे रह सकते हैं। यहाँ पे हार्दिक पांड्या, यजवंदर चहल, अर्शदीप सिंह, अर्शदीप सिंह गाइज मेरे हिसाब से आप स्मॉल लीग में भी रख सकते हो, क्योंकि डेथ ओवर से बहुत अच्छी बॉलिंग कराता है, एक स्पेशलिस्ट बॉलर है, लेफ्ट आर्म, 2 से 3 विकेट ले जा सकता है, तो अर्शदीप सिंह पे नजर रखना। और यहां से नसीम शाह, ये वाली टीम गाइज आप जीएल में यूटिलाइज कर सकते हो, एक बेस्ट टीम है। बाकी कुछ भी चेंज होगा, कुछ भी बदलाव होगा, मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा, जरूर ज्वाइन करके रखना। अब कप्तान और वाइस कप्तान के लिए कौन बेस्ट चॉइस है उसकी बात करते हैं। उससे पहले गाइज अगर आपने माई इलेवन सर्किल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है ना तो गाइज डिस्क्रिप्शन में कमेंट पे जो सबसे पहला लिंक है ना, उसके बाद टेलीग्राम का है, उससे पहले वाला जो है ना वो माई इलेवन सर्किल का, ये डाउनलोड करते ही 5,000 रुपए तो फ्री बोनस मिल जाएगा। अब दिमाग में आ रहा होगा बोनस का क्या करेंगे, गाइस बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हो। साथ में अगर यहाँ पे अगर आप फर्स्ट डिपॉजिट कराते हो ना और कोड यूज करते हो EXP2022, तो मान लो आपने 1,000 रुपए डिपॉजिट किया तो आपको 1,200 मिल जाएंगे, 200 रुपए बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे, क्योंकि ये फर्स्ट डिपॉजिट कराने वालों पर 20% एक्स्ट्रा देते हैं, ठीक है। साथ में गाइस आपको मैं बताऊं यहाँ पे ये मर्सिडीज बेंज तो आपको लेके ही जानी है, कैसे लेके जानी है, माई इलेवन सर्किल एप्लीकेशन पे इस एशिया कप में आपको खेलना है, ग्रैंड लीग्स खेलनी है, ग्रैंड लीग खेलते हो रैंक वन पे अगर आप आ जाते हो तो विनिंग अमाउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, महिंद्रा थार अलग मिलेगी, वो तो हर मैच में मिलेगी। और अगर ग्रैंड लीग आप खेल रहे हो, अगर आपके पॉइंट अच्छे आ रहे हैं तो आप लीडर बोर्ड का हिस्सा बन जाओगे, डेली खेलोगे एशिया कप में तो आप लीडर बोर्ड में अगर ऊपर आते हो, अगर आप टॉप कर जाते हो तो मर्सिडीज बैंड लेके जाएगी गाइस, अपने घर वालों को गिफ्ट दे देना, बहुत खुश होंगे। इसके अलावा गाइस यहाँ पे आप देख ही सकते हो 5,000 रुपए का आपको फ्री बोनस मिल रहा है, तो गाइस इस एप्लीकेशन को आप जरूर से डाउनलोड कर लेना, बट इस एप्लीकेशन पे थोड़ा सा है ना गाइस वित्तीय जोखिम का खतरा रहता है, कृपया अपनी रिस्क पर खेले, संभल के खेले, बट खेलना स्टार्ट कर सकते हैं, एंट्री फीस, क्रेडिट इशू नहीं है, बहुत जबरदस्त एप्लीकेशन है, सब स्टार्ट कर दो, मेरा मानना ये है। कप्तान वाइस कप्तान के लिए देखिए, आज के मैच के लिए अगर बढ़िया चॉइस की बात करें तो हार्दिक पांड्या बहुत बढ़िया चॉइस है, मोहम्मद रिजवान बहुत जबरदस्त पिक रहेंगे, विकेट कीपिंग में भी पॉइंट देंगे, स्टंपिंग के साथ में बैटिंग से भी पॉइंट देने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पे विराट कोहली, बाबर आजम जबरदस्त चॉइस है। बाकी गाइस मैं लाइव आऊंगा शाम को लगभग 6:30 बजे है ना, उस पर फर्स्ट लाइक फर्स्ट कमेंट पे गिव अवे, मतलब मैं लाइव आऊंगा तो आपको बता दिया जाएगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके रखना, वहां पे भी आपको अपडेट मिलेगा। अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा के ऑल प्रेस करके रखना, जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, आपको सबसे पहले आके लाइक करना है, कमेंट करना है। ये लाइव में तो रहेगा ही, साथ में एशिया कप के पूरे टूर्नामेंट पे रहेगा। अगर आपने ये काम सबसे पहले किया, पूरा वीडियो देखा, तो आप प्राइस जीत सकते। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। IND वर्सेस PA के फर्स्ट T20 मैच एशिया कप 2022 का पूरा डिटेल प्रीव्यू यहीं खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। 15,000 लाइक्स अभी भी कंप्लीट नहीं हुए, जरूर कंप्लीट कराना और अपना सपोर्ट ऐसे ही दिखाना गाइज, आपका भाई आपके पीछे है, आपका सपोर्ट रहेगा मैं आगे बढ़ता रहूंगा और आपको और अच्छी इन्फॉर्मेशन देता जाऊंगा। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और गाइज मैंने जो भी बताया ना, इस एप्लीकेशन पे खेलो वहां खेलो, बट मैं आपको कहीं से भी फोर्स नहीं कर रहा, आपकी इच्छा हो तो खेलो, आपकी इच्छा हो तो ना खेलो, आपका दिल जो करे वो करो, आप तो बस लाइफ एंजॉय करो मस्त, ठीक है, ऐसे वीडियो देखते रहना, ठीक है भाइयों, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।